तो हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। समय को बिना बर्बाद किए हुए आज हम लोग अध्याय पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.3 का 2 नंबर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है साथियों, 2x + 3y = 11 एंड और 2x - 4y - 24 को हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ पे दिया हुआ हल कीजिए, राइट। तो हम लोग कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, या तो विलोपन कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं, तुलनात्मक विधि कर सकते हैं, सीधराचार्य विधि कर सकते हैं, कोई भी विधि, क्योंकि यहाँ कोई नाम नहीं लिया है। अगर हम लोगों को बोला जाए कि देवघर जाओ, राइट, तो हम लोग कोई भी रास्ता से जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलेगा कि तुम लोग घूम के जाओ, इनर आवरण होके इधर इधर, तो भी उसी रास्ते से जाना है। तो यहाँ बोला हल कीजिए, तो कोई विधि से हम लोग हल इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 समीकरण 1 एंड 2x - 4y = -24 समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, 3y + 3y - 4y नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है। तो चिन्ह एक जैसा, यहाँ पे प्लस प्लस है, क्या है, चिन्ह एक जैसा या दो जैसा है, एक जैसा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, चिन्ह एक जैसा रहे तो घटाने पर। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये कट गया क्योंकि ये प्लस एक माइनस में, ठीक है। +3y + 4y = +7y। जब यहाँ पे चिन्ह चेंज होता है ना, तो यहाँ का वैल्यू खत्म हो जाता है ये चिन्ह का, ठीक है। अब 11 और प्लस 24 कितना हो जाएगा, 35, 4, 4 1 5, 3 2 1 3, कितने बार में जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। तो यहाँ पे वाई का मान रखना है, राइट। तो वाई का मान कितना है, तो वाई के जगह पे 5 रखेंगे, 2x + 11 = 11, 2x = 11 - 15 कितना हो जाएगा, 2x + 11 - 15 जाएगा तो -4 बचेगा, यानी x = कितना हो गया, -2। अब यहाँ पे x = -2 एंड y = कितना, 5 निकल गया। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि m का भी मान ज्ञात करना है ना। तो मेरा y का मान और x का मान तो निकल गया, तो y के जगह पे y का मान रखना होगा, x के जगह पे x का मान रखना पड़ेगा, तो m का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखें। सो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, y = 5 एंड x = -2 + 3। m - 2 करेंगे तो क्या होगा, -2m + 3, 5 - 3 = -2m, +5 में -3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 = -2m, m = -1। तो यहाँ पे x = -2 एंड y = 5 और m = -1 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई, अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए समझाने वाला, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।